कर आप देर इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर कोटेदार को विशाल धरना की चेतावनी। उत्तर प्रदेश बलिया में जिलाधिकारी को कोटे द्वारा ज्ञापन दिया गया और मांग नहीं पूरा होने पर धरना की चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश राशन विक्रेता समिति के आह्वान पर जिसमें उत्तर प्रदेश सभी संगठन कोटे द्वारा इको गार्डन लखनऊ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति द्वारा निर्णय लिया गया, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक पूरे प्रदेश के कोटेदार खाद्यान्न का नहीं उठाएंगे और प्रमुख मांगों को कोटेदार को 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश दिया जाए तथा 25,000 से 30,000 रुपए मान दे दिया जाए। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष जिला कोटेदार संघ बलिया। आए दिन कोटेदारों का ये भी कहना है कि हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है, हमको गाँव में लोग चोर कह रहे हैं। तो आप लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं, आज आप लोगों का मुद्दा क्या है? हम लोगों का मेन मुद्दा आज है इको गार्डन में हमारा प्रदेश नेतृत्व ने कुछ मांगे रखी हैं, जो 250 से 250 रुपया कमीशन, 25,000 रुपया मानदेय, होम स्टे डिलीवरी, ये 3-4 प्रमुख मांग है उसको रखा है और सरकार ने कोई उस पर आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए हम लोग पूरा निकासी बंद करके हड़ताल पर आए से हैं। इसी को सूचना देने के लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। तिवारी, बिलहरी ब्लॉक अध्यक्ष, कोटेदार संघ बलिया। आखिर गांव में ऐसी नौबत क्यों आती है कि लोग मजबूरन आपको कहते हैं कि आप चोरी करते हैं, खाद्यान्न घोटाला करते हैं, इसके लिए आप दोषी रूप मूल रूप में किसको मानते हैं? सरकार को, क्योंकि जो भी ये कार्यक्रम आगे या जो पीछे होने जा रहा है या हो रहा है, जो भी जनता का ब्लेम कोटेदारों पर लगाया जा रहा है, ये सब सरासर है। क्योंकि कोई भी कोटेदार की जो दुकान है कहीं पर भी, उसमें से 10 से 15 आदमी को राशन नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण है सही तरीके से गोदाम से उनको वजन करके माल नहीं दिया जाता है। जो कोटेदारों का जितना आवंटन बनता है वो बोरी का वजन उसमें पकड़ लिया जाए और उससे मिला करके कम से कम 15 कार्ड धारक हैं जिनका राशन नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर कोटेदारों पर ब्लेम आता है। तो इसमें आप बताइए कि हम कहाँ से चोर हैं? प्रशासन अगर सही तरीके से हमको खाद्यान्न दे, वजन टू वजन दे, तब हम भी कोटेदार को देंगे। जब सरकार ही हमको वजन टू वजन राशन नहीं देगी तो हम कार्ड धारक को राशन कहाँ से देंगे? आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आप लोग मिलने के लिए आए हैं, आप लोग जिलाधिकारी महोदय से किन मांगों को लेकर आप लोग आज मुद्दा उठाएंगे? प्रमुख मांगे हमारी है डोर स्टेप डिलीवरी, जो सरकार कब से कह रही है मिल जाएगा लेकिन अभी तक नहीं मिला। दूसरा है हमारा मानदेय, या तो हमको कमीशन दिया जाए या हमको मानदेय दिया जाए। डोर स्टेप डिलीवरी कर दे सरकार, मानदेय दे दे, हम राशन उठान लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ बलिया। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं, मामला क्या है, उद्देश्य क्या है? मामला हम लोग होम डिलीवरी प्लस कमीशन और मानदेय, प्रदेश में जितने भी संगठन हैं सभी संगठन एक हो गए हैं और इस बार हम लोग की आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है कि जब तक हमारा मानदेय, कमीशन, होम डिलीवरी नहीं होगी हम खाद्यान्न का उठान नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे सुनी जाएंगी? जिस तरह से आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी बातें मानी जाएंगी? सरकार द्वारा कई बार से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी हम लोग को मांग को नहीं मानी जा रही है। इस बार हम लोग चाहते हैं और मीडिया भाई, जनता से, कार्डधारक से, सभी लोग से, तो हम सभी लोग चोरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। तो हमारा जो भी मजदूरी हो, न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रपति द्वारा 24,000 रुपया किया गया है, हम लोग मांग 24 से 25,000 किए हैं, तो हमारे सरकार मांग मान ले, हम लोग जनता में सुचारू रूप से वितरण करने का कार्य करेंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर, निर्देशानुसार 21 तारीख से यानी आज से हम लोग बलिया जिले में खाद्यान्न की निकासी नहीं लेंगे। मैं उदय भान पांडे, जिला कोटेदार संघ महासचिव बलिया। आप लोग काफी टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को ऊपर तक ले जा रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी आवाज़ों को सरकार सुनेगी और आपके हितों की रक्षा होगी? इस बार हम लोग जो है 18 तारीख को इको गार्डन में गए और वहां उत्तर प्रदेश के चारों संगठन को मिलाकर एक संघर्ष समिति बनी है, जिसमें
माननीय अजय चौहान जी खाद्य आयुक्त पहुँचे और हम लोगों का पत्रक लिए। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कोटेदार संघ ने एक आवाज़ में कहा कि हम लोग इस बार लिखित मिलेगा तभी जो है उठान करेंगे, अन्यथा जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में उठान बंद कर देंगे। यानी आप लोगों ने एक मानक तय किया है। हाँ, एक और आपसे मैं सवाल करूंगा कि गांव में आए दिन कोटेदार पर लगातार ये ब्लेमिंग आती है कि कोटेदार चोरी कर रहा है, कोटेदार खाद्यान्न का घोटाला कर रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? इस बार में हमको ये कहना है कि हमारा कमीशन जो है 200 से 250 रुपया कुंटल कर दिया जाए, मानदेय दे दिया जाए, और हम लोग चोरी नहीं करते हैं कोटेदार, बल्कि सर्वर और ये मशीन लग जाने से सर्वर के प्रॉब्लम और नेटवर्क के प्रॉब्लम से कोटेदार जो है राशन नहीं दे पाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि इसको कालाबाजारी कर रहा है।